दोस्तों, नेशनल बॉर्डर्स की तारों पर खाली बियर्स की बोतल क्यों लटकाई जाती है और ज्यादातर समुद्री लुटेरों की एक आग पट्टी से ढकी क्यों होती है? और क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रिंक है जिसे इंडिया में तो शौक से पी सकते लेकिन फॉरेन में पीने पर बैन है? जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक। नंबर 7, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर च्युइंगम चबाना बैन है और अगर कोई गलती से च्युइंगम चबाते पकड़ा जाता है तो उसे 74 लाख रुपए का फाइन देना पड़ता है। दरअसल सिंगापुर में च्युइंगम चबाने पर बैन इसीलिए क्योंकि लोग च्युइंगम चबाने के बाद उसे कहीं पर भी फेंक देते, जिसके बाद रोड क्लीनिंग एजेंसी के लिए रोड को क्लीन करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए सिंगापुर में च्युइंगम चबाना बैन है। नंबर 6, दोस्तों आपको हमेशा से ऐसा लगता होगा कि जब किसी सांड को लाल कलर का कपड़ा दिखाया जाता है तब वो गुस्से से आग बबूला होकर हमला कर देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सांड एक कलर ब्लाइंड एनिमल होता है, जिस वजह से सांड लाल कलर के साथ साथ बाकी किसी दूसरे रंग को भी देख नहीं सकते और इसी वजह से सांड लाल कलर के कपड़े को देखकर आग बबूला होकर हमला करने के बजाय कपड़ा सामने लगातार हिलने की वजह से हमला कर देता है। नंबर 5, दोस्तों स्पेस में मौजूद स्पेस स्टेशन के कैमरास इतने ज्यादा पावरफुल होते जो स्पेस से जूम करके आपके जूतों का कलर तक बड़ी आसानी से बता सकते। नंबर 4, दोस्तों वैज्ञानिकों ने आज तक डायनासोर के बारे में बहुत सी बातों का पता लगाए, जिनमें उन्होंने डायनासोर्स के कंकालों को ढूंढ निकाला और उनकी बहुत सी प्रजातियों का भी पता लगाया और यहाँ तक कि उनके अंडों को भी खोज लिया है। लेकिन डायनासोर्स के बारे में एक ऐसी चीज है जिसे वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए और वो चीज है डायनासोर का कलर। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर डायनासोर का कलर कैसा हुआ करता था। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते कि ज्यादातर समुद्री लुटेरे अपनी एक आग पर पट्टी क्यों बांधा करते थे? दरअसल समुद्री लुटेरे अपनी एक आग को इसीलिए ढककर रखते थे ताकि वह अंधेरे में लड़ाई कर पाए। दरअसल समुद्री लुटेरों को लड़ाई के वक्त जहाज के निचले वाले सरफेस पर जाना पड़ता था जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा रहता था, इसीलिए अंधेरे में ठीक तरीके से देख पाने के लिए वे अपनी एक आग को पट्टी से ढककर रखते थे ताकि अंधेरे में जाने पर वह उस पट्टी को हटाकर तुरंत ही अंधेरे में देख सके। नंबर 2, दोस्तों इंडिया में रेडबुल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इंडिया में रेडबुल को कोको कोला की तरह एक ड्रिंक के तौर पर लिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में रेडबुल बैन है? दरअसल फॉरेन कंट्रीज में रेडबुल एक बहुत बड़े रीजन की वजह से बैन है, जैसा कि इस ड्रिंक में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इस ड्रिंक में टोरेन नाम का एक लिक्विड मौजूद होता है जो इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और जब हम इस ड्रिंक को पीते तब हमें एनर्जेटिक फील होता है, लेकिन एक समय के बाद इससे हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा बुरा असर होता है, जैसा कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ कई बार डिहाइड्रेशन भी होता है और इन्हीं सभी रीजन की वजह से रेडबुल फॉरेन कंट्रीज में बैन है। नंबर 1, दोस्तों नेशनल बॉर्डर्स की तारों पर खाली बियर्स की बोतल क्यों लटकाई जाती है? दरअसल ठंड के दिनों में जब बहुत ज्यादा स्मोक गिरती है तब बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता है और ऐसे में बॉर्डर की पूरी तरह से निगरानी कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कोई भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है और इसी वजह से बॉर्डर के तारों पर खाली बियर्स की बोतल लटकाई जाती है, जिसके बाद अगर कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है तो बियर्स की बोतल आपस में टकराने लगती है, जिसके बाद जवान बियर्स की बोतल की आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आप हमारी फ्यूचर वीडियो को सबसे पहले देख पाओ।